वन सेकेंड, वेलकम बैक ऑन योर चैनल स्टेट टॉक। अभी हम आ चुके हैं ओमेगा विंडसर ग्रीस में। 1640 सामने का फ्लैट है, तो बैक टू बैक हम इंटीरियर्स पे ब्लॉग शूट कर रहे हैं। और हमारे साथ एक बार फिर से हैं फुरकान जी, आपका बहुत बहुत स्वागत है हमारे चैनल स्टेट टॉक में। तो आज हमें कैसा डिज़ाइन आप दिखाने वाले हैं, क्या चीज़ दिखाने वाले? तो शुरुआत कहाँ से हो रही है? मतलब ऑलमोस्ट सभी तरह के सभी फ्लैटों में शूज रैक लोग इस तरह बना रहे हैं, थोड़ा स्टोरेज मिल जाती है। बाहर की तरफ नहीं बना रहा कोई, यहाँ दरवाजे के पास जैसी रिक्वायरमेंट होती है। अच्छा, तो आप फ्लैट के अंदर से यहाँ स्टोरेज आ जाएगा, स्टोरेज आ जाएगा, और ये ऊपर की तरफ कुछ रखा जा सकता है। और फॉल सीलिंग भी आपने किया हुआ है जी। और क्या क्या काम किया? चलिए आगे देखते हैं। अच्छा, आपने यहाँ पे मंदिर बनाया है, जरा दिखाइए कैसे, क्या मंदिर में आपने काम किया है? ठीक है, तो यहाँ पे आपका आ जाएगा। और फिर इधर क्या काम हुआ है? टीवी पैनल आपने किया, टीवी पैनल दिखाइए क्या क्या चीजें इसमें आपने दी है। आपने क्या क्या काम यहाँ पे कराया, जरा फिर से बताइए टोटल सारा काम। बेड, बेड, फर्नीचर, सोफा, सोफा देखिए उनका अपना होगा, और ये फॉल सीलिंग आपने कराया है, और किचन में आपने क्या किया? स्टार्ट करिए जरा शुरुआत से, यहाँ से करिए, बड़ा अच्छा लग रहा है आपने जो बाहर की तरफ निकाला हुआ है दरवाजा। अच्छा, इनका स्टोरेज इधर है, बहुत प्यारा फ्लैट आप बना हुआ है, बहुत अच्छा इंटीरियर कराया है। मतलब जिनका ये फ्लैट, उन्होंने कलर कॉम्बिनेशन बहुत प्यारा चूज किया हुआ है, काफी अच्छा लग रहा है। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। और ये आपका हो जाएगा कैबिनेट है ना, सर्व कर सकते हैं, ब्रेकफास्ट टेबल हो जाएगा। जरा नीचे दिखाइए आपने क्या क्या चीजें दी हैं। नीचे ये छोटी थाली हो गई हमारी। अच्छा, ये बड़ी थाली हो गई। ये बोतल प्लॉट हो गई है। ओके, ये एक स्टोरेज हो गया हमारा पूरा। यहाँ पर पहले गैस अंदर थे, फिर बाद में बाहर कनेक्शन करवा दिया गया। ये दिखाइए सिंक के नीचे। सिंक के नीचे सर अभी फिटिंग लगी नहीं है। अच्छा, यानी सिंक को भी आपने कवर कर दिया, बंद कर दिया। और इस तरफ क्या क्या चीजें आप दे रहे हैं? इस तरफ ये कटलरी हो गई हमारी। कफन सर, एक मल्टी हो जाएगी। मल्टी, ये आपका स्टोरेज आ जाएगा जी। ये दिखाइए जरा, एक स्टोरेज आपको यहाँ मिल जाएगा। मतलब आटा, दाल, चावल, कुछ भी हैवी चीजें हैं वो कंटेनर से यहाँ रख सकते हैं। और ये आपने काफी अच्छा स्पेस नीचे निकाल दिया है। ये दिखाइए तो जरा, ये तो दो मल्टी हैं, एक ऊपर एक नीचे, बड़ी चीजें आप रख सकते हैं। नीचे का दिखाइए जरा। ठीक है, ये वेजिटेबल्स के लिए दिया है, फल वल सब्जी कुछ रखनी हो तो बाहर निकाल के टोकरी दिखाइए। तो बहुत प्यारा, बहुत प्यारा। और यहाँ पर मतलब ओवन के लिए तो बहुत बड़ा स्पेस दिया आपने यहाँ, और ओवन के ऊपर इसका स्टोरेज आ जाएगा। और ऊपर थोड़ा सा दिखाइए यहाँ दर्शकों को, यहाँ पे क्या क्या चीजें आपने दी हुई हैं। ठीक है, यहाँ पे आपके जार आप रख सकते हैं, कुछ रख सकते हैं। अच्छा जी 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 जी, निकल जाएगा। तो पूरा ही काम आपने यानी किचन में किया हुआ है, यहाँ से आपकी शुरुआत हो जाती है। और बहुत खूबसूरत प्यारा किचन लग रहा है, कलर भी बहुत अच्छा है, डिज़ाइन भी काफ़ी अच्छा है, और स्पेशियस किचन है। तो फ्रेंड्स, आप भी चैनल पर अगर नए हैं सब्सक्राइब कर लें, लाइक करें, शेयर करें। कोई क्वेरी है तो कॉल कर सकते हैं फुरकान जी से। अगर आपको भी अपना इंटीरियर लखनऊ में या कहीं पर भी करवाना है, और ओमेगा में आप रहते हैं तो बहुत ही अच्छा है, वो तो इनकी पूरी टीम यहाँ पर वर्क कर ही रही है। यहाँ पर क्या काम आपने किया हुआ है? अच्छा, बेड आपने बनाया हुआ है। तो आपने यहाँ पे
वार्डरोब का काम किया हुआ है। और ऊपर भी आपने स्टोरेज दिया है ना, हाइड्रोलिक है दरवाजे। हाँ और इस तरफ भी आपने बनाया हुआ है जी, ये हमारा बेड हो गया। बेड के साथ आपने पीछे क्या बनाया हुआ है ऐसे? ये जी वॉल पाइनिंग करके वो डिजाइन है, वॉल पाइनिंग की गई है ये। अच्छा अच्छा, ये जो मटेरियल है ये भी गद्दा है जी। अच्छा बढ़िया है सर। और यहाँ पे भी आपने वार्डरोब बनाया है और वहाँ बेड के बगल में एक और टेबल स्टोरेज दिया हुआ है आपने। अच्छा इसमें बहुत ही, चूँकि स्पेस कम ज़्यादा लेगा इसलिए आपने यहाँ पर स्लाइडिंग कर दिया आप दरवाजे। हैं बहुत बढ़िया, बहुत खूबसूरत। और यहाँ पे इसको क्या बोलेंगे, साइड टेबल आ गया, इसमें भी स्टोरेज दिया आपने। आइए आगे की तरफ चलते हैं। तो फ्रेंड जैसे आपने देखा यहाँ पर एक और अच्छा खासा स्लाइडिंग डोर स्पेस दिया, साइड टेबल दिया, बेड बनाया और वहाँ पे वार्डरोब स्पेस, और ये किचन का पूरा काम किया गया है। और ये हॉल सीलिंग काफ़ी खूबसूरत टेंपल भगवान कृष्ण में पूजा घर बनाया हुआ है। और वहाँ पर शूज रैक, टीवी कैबिनेट्स। आगे की तरफ चलते हैं। ये मास्टर बेडरूम में ये कवर जी जी बहुत प्यारा रंग है, काफी अच्छा बनाया हुआ है। और ये बेड भी आपने बनाया हुआ है, क्या डायमेंशन है बेड का, साइज क्या है? 6x6 साइड टेबल आपने दिया है, साइड टेबल के ऊपर आपने मिरर भी लगाया हुआ है ना, दोनों साइड मिरर, दोनों तरफ आपने साइड टेबल दिए हुए हैं। आइए आगे चलते हैं। अच्छा लाइटिंग आपने की हुई है। मिरर आपने दिया हुआ है, बहुत प्यारा, बहुत प्यारा सर। और यहाँ पर आपने ड्रेसिंग हो गया, स्टोरेज दिया, यहाँ पे आपने मिरर लगाया हुआ है। आइए सर आगे चलते हैं किड्स रूम की तरफ। किड्स रूम में क्या काम किया उसको देख लेते हैं। पेंटिंग वगैरह टोटल ही काम अपना है यहाँ पर। ये बेड हो गया, हाइड्रोलिक बेड, और वहाँ पे टोटल ही काम है वॉलपेपर। वार्डरोब का काम। अच्छा यहाँ पे आपने काफी खूबसूरत स्टोरेज निकाल दिया है। और इस तरह बालकनी में क्या काम किया है आपने? बालकनी में सर एक बालकनी का बात करें, देख सकते हैं दोस्तों काफ़ी खूबसूरत तरीके से, काफ़ी यहाँ पे चूँकि ओमेगा में 6 फीट चौड़ी लगभग बालकनी है तो एक अच्छा सा स्पेस आ जाता है। और उन्होंने यहाँ पे इसे कवर कराया है बड़ी खूबसूरती से। तो ये क्या चीज़ लगाया गया है, ये जैसे नीचे एलुमिनियम की वॉल उन्होंने यहाँ पे, यूपीवीसी है और ये एलुमिनियम है, फ्रेम एलुमिनियम पे है। तो यहाँ पे लगाया स्लाइडिंग डोर हो जाएगी, मतलब ये ग्लास हो जाएगा, काफ़ी टाइट ग्लास है। तो जब लाइट एयरवे चाहिए तो आपने खोल दिया, व्यू ले लिया और जब चाहे बंद कर दिया है ना जी। बहुत बढ़िया है। और एयर के लिए भी बेस्ट है, यहाँ पे एक जाली का डोर हमने दिया हुआ, हवा चाहिए और जाली का डोर, मच्छर नहीं आएंगे। सही कह रहे, बहुत बढ़िया सर। तो फ्रेंड हमने तीनों बेडरूम्स आपको दिखाए, तो फुरकान जी से एक बार जानते हैं। तो फुरकान जी ये बताइए कैसे क्या कीमत आ जाती है, यहाँ पे किसी को बनाना है तो क्या प्राइस आ जाएगा? सर वो काम मतलब इसी हिसाब से होता है, क्या रिक्वायरमेंट है आपकी, कहाँ पे क्या चाहिए। किसी को अपना खाली किचन बनाना है तो मान लीजिए कम से कम ज़्यादा ज़्यादा क्या जाता है किचन का, वो कम से कम ये मान लीजिए 100,000-1.5 लाख, ज़्यादा से ज़्यादा 2.5 लाख। क्वालिटी के हिसाब से सर, जैसा साइज जैसी क्वालिटी। और वार्डरोब बनाना हो वाटरों का, ये 1200-1250 रुपये स्क्वायर फीट एक्रेलिक पे है तो और महंगा। और यानी सारा आप सर्विस प्रोवाइड करते हैं और जो भी बनाना है सब बना देते हैं आप? बाकी जो होता है मतलब माल की क्वालिटी वगैरह देख के वो सारी चीज़ें डिसाइड हो जाती है, रेट वगैरह क्या है। तो फ्रेंड तो जैसे आपने वीडियो को देखा, कोई क्वेरी है आप कॉल कर सकते हैं, फुरकान जी से बात कर सकते हैं। फुरकान जी की सेल्स का नंबर आपको मैं दे रहा हूँ,
तो इसी तरह के वीडियोस को इनको सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू।